जय श्री राम मेरे प्यारो मैं बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल बहेद क्लासेस पर और आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास टेन मैथ्स के क्वार्टरली एग्जाम के सॉल्यूशन के बारे में तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है चूज द करेक्ट ऑप्शन आइए हम देखते हैं इसके सॉल्यूशन को तो पहला जो हमारा दिया है वो दिया है था एस एसीएफ ऑफ ट्वेल्व एंड फिफ्टीन विल भी कितना होगा बारह और पंद्रह का एस सी एफ थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द कॉरेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क् प्लस बी एक्स प्लस सी दे द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा विल भी है ना रूट्स की वैल्यू क्या होती है माइनस बी ए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ ए वन अपन ए टू इजिक्स टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्व टू सी वन अपॉन सी टू देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ए वन एक्स प्लस बी वन प्लस सी वन टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू प्लस सी टू टू जीरो हैज नो सोल्यूशन ये कंडीशन का है नो no सॉल्यूशन की अगला चलते हैं हमारा क्या इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन ये कब बनती है हमारी जब रूट्स इक्वल हो तो डी इज इक्वल्स जीरो है ना ऑप्शन ए इसका आंसर नेक्स्ट पे चलते हैं नेक्स्ट दिया द थर्टीथ टर्म ऑफ द ए टेन सेवन फोर इज माइनस सेवनटी सेवन है आ चुका है कई बार हमारे एम पी वोर्ड में तो ये इसका आंसर माइनस सेवनटी सेवन है अगला क्या है द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज फोर रेशियो नाइन देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज स्क्वायर हो जाता है तो फोर का स्क्वायर सिक्सटीन और नाइन का स्क्वायर एटी वन तो ऑप्शन डी है इसका आंसर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि हमारा फ्लिंदर बल्लैंक्स रूट टू इज ए ऑब्लिक एन क्या है रूट टू एक इेशनल नंबर है हमको पता है इम्प्रूव कर चुके हैं इंपॉर्टेंट होता है काफी द मैक्सिमम नंबर ऑफ द जीरो पता है इफ इन टू एक्स प्लस वाई एजकल टू के एक्स इज टू टू वाईकल टू वन देन द वैल्यू ऑफ के विल भी कितनी होगी पांच यहाँ एक्स की वैल्यू रखेंगे टू टू फोर वाई की वैल्यू वन तो कितना हो जाएंगे पांच हो जाएंगे द इक्वेशन पी एक्स इजकल टू जीरो वेर पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू इज कॉल्ड अ पॉलिटिक इक्वेशन कहते हैं हम जहां डिग्री टू हो इफ ए बी सी आर एन अर्थमेटिक प्रोविशन दैन वी इज कॉल्ड द ऑफ ए एंड डी सी अर्थमेटिक मीन होगा है ना उनके बीच का द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल होती हैं। जी है जी हम मेरे प्यारे हुए थे हमारे फिलिंदा ब्लैंक से आंसर यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिले लेकिन मेरे को लगता है मेन बोर्ड में ऑप्शन नहीं आएंगे और आते ही नहीं है यहाँ तो दे दिए उन्होंने प्रैक्टिस के लिए मेरे हिसाब से एल सी एम ऑफ नाइन एंड ट्वेंटी सेवन इज ट्वेंटी सेवन है ना डिग्री ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल एक होती है इफ इन एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री इजिकल्स टू जीरो एक्स इजीकल टू देन थ्री बाई टू होगा माइनस का थ्री बाई टू अगला रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्र माइनस वन इजिकल्स टू इसका ऑप्शन फोर्थ है ना ये वन और माइनस वन एंड ऑफ आर्थोमेटिक प्रोग्रेशन ये फॉर्मूला है और लास्ट वाला हमारा ऑल द स्क्वायर्स आर सिमिलर है ना लगातार दिए हुए हैं एक दो तो तीन चार पाँच छः अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि हमारा आंसर इन वन वर्ड या सेंटेंस तो पहला क्वेश्चन दिया है इफ द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अडेटिक इक्वेशन इज नेगेटिव देन व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इट्स रूट उसके रूट्स ने, का नेचर कैसा होगा नॉन रियल रूट्स है ना इमेजनरी रूट्स निकलेंगे इसके कोई रूट्स नहीं निकलेंगे नेक्स्ट है राइट द नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पी फोर सिक्स एट फोर्टी तक जा रही है इसमें टू काया पे दो दो का बीस से करेंगे तो चालीस यानी एक कम कर दो तो उन्नीस आएगा या नाइनटीन आएगा विल द ट्राइंगल फॉर्म्ड विद साइड सिक्स सेंटीमीटर एट सेंटीमीटर एंड टेन सेंटीमीटर वी अर राइट एंगल ट्राइंगल जी हाँ मेरे प्यारो ये ट्रिपलेट्स होता है इसको पहचानने का है ना तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है येस लिखोगे आप यहाँ नेक्स्ट राइट द स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट आपको होना चाहिए याद क्या होता है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्कोर ऑफ द हाइपोटे इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्कोर ऑफ द अदर टू साइड्स ये आपको याद होना चाहिए आपकी बुक में भी दिया हुआ है नेक्स्ट है वॉट विल दॉट विल बी द दर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए वन टू एंड वी थ्री फोर इसका मिड पॉइंट निकालना है तो इन दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा वन और थ्री होते हैं हमारे कितने फोर फोर के आधे टू टू और फोर होते हैं हमारे सिक्स इसके आधे टू थ्री तो इसके जो कॉर्डिनेट्स आएंगे वो टू थ्री आएंगे द कॉर्डिनेट्स ऑफ दर्टिस ऑफ ट्राइंगल आर फोर थ्री टू माइनस थ्री एंड थ्री वाट विल द कॉर्डनेट क्यों होता है एक्स वन प्लस वाई वन प्लस जेड वन अपॉन थ्री एक्स टू वाई टू प्लस जेड टू अपॉन थ्री तो इनको जोड़ते हैं चार और दो होते हैं हमारे छः छः में से तीन गए तो तीन बचे और तीन का तीन से डिवाइड किया तो वन अब इसका तीन में से तीन गए तो जीरो पाँच का तीन से डिवाइड किया तो फाइव अपॉन थ्री तो ये इसके क्या होंगे हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे सेंट्रोइड के अब हम चलते हैं ट्रू और फॉल्स पे देखते हैं पहला द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सपर्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स ट्रू है ये है ना नेक्स्ट ए एक्स प्लस बी इजिकल्स टू जीरो इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नो फॉल्स है इफ़ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनादर ट्राइंगल देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर दो एंगल्स किसी ट्राइंगल्स के दो एंगल्स के बराबर है देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बिल्कुल बराबर होंगे क्योंकि जब दो होंगे तो तीसरा अपने आप हो जाएगा इफ द ए सीसा ऑफ अ पॉइंट इज जीरो एंड द ऑर्डिनेट इज थ्री एफ सीसा जीरो है ऑर्डिनेट थ्री है देन इट विल बी लाई ऑन द एक्स एक्सिस नहीं वाई एक्सिस पे हो क्योंकि एफ सी से जीरो हो चुका है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट पी आर टू कम ऑफ फाइव दैन फाइव स्कॉल्ड एंड एफ सी साफ नहीं ऑर्डिनेट कहेंगे इसको गलत दे रखा है इसमें है ना ये भी फॉल्स है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन इज ये ट्रू है तो आपके तीन ट्रू है तीन फॉल्स है ये थे आपके ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन अब हम चलते हैं मेन क्वेश्चनों की ओर है ना मेन क्वेश्चन मैंने सारे देख रखे एक्सप्रेस द नंबर वन फाइव सिक्स फाइव फैक्टर्स ये जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे ना सारे उसी में से आए हुए आपने अगर नहीं देखे थे तो कोई बात नहीं अब जाके आप देख लेना आगे जो भी एग्जाम आएंगे वो हमारे इंपॉर्टेंट में से ही आएंगे तो आज की वीडियो में इतना ही आई होप आपका एग्जाम अच्छा गया होगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट हैव अ ग्रेट डे जय हिंद